दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इन दिनों संदीप घोष जेल की कोठरी में बंद हैं और इस बार उन पर फिर से डॉक्टर बिटिया के गंभीर मामले में मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में संदीप घोष के अलावा अन्य आरोपियों पर भी मामला दर्ज हुआ है। दोस्तों अपराध करने वाले लोगों का दिल कैसा होता है? जब वो अपने अपराधों के जरिए दूसरों पर कहर बरपाते हैं तो उन्हें बड़ा मजा आता है। उन्हें लगता है कि इस दुनिया में उनसे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों कहते हैं न कि भगवान की छड़ी में आवाज नहीं होती, और जब भगवान की छड़ी चलने लगे तो जान लीजिए कि उसे बचाने वाला कोई नहीं है। शायद अपराध की दुनिया में सिर से पैर तक डूबे संदीप घोष ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके द्वारा किया गया पाप उल्टा उन्हीं पर ही आ पड़ेगा और उन्हें इस तरह दुखी कर देगा। दोस्तों सच यकीन मानिए, आज वक्त ने ऐसा पलटा खाया है कि संदीप घोष ने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा होगा। नहीं, जब विलेन खुद मारा जाने लगता है तो आपने कई फिल्मों में विलन की भयावह और दयनीय हालत देखी होगी। आज विलन यानी संदीप घोष के साथ जो हो रहा है उसे देखकर आप सिहर उठेंगे या नहीं, आपकी आत्मा को संतुष्टि जरूर मिलेगी। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संदीप घोष किन बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। इससे पहले आपको बताते हैं कि जेल में कैदियों को कैसे रखा जाता है और संदीप घोष को कहां रखा गया है और वह कहां है। अभी वह किन बदतर हालातों से गुजर रहे हैं? इससे पहले कि मैं इस क्राइम केस पर आगे बढ़ूं, मेरी आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेकिन अगर आप सच में सच्चाई का साथ देना चाहते हैं तो यहाँ एकता दिखाने का संदेश है, लाइक जरूर करें। दोस्तों यहाँ हम आपको बताएंगे कि जेल में आरोपियों को दो तरह से रखा जाता है, पहला सरेआम, दूसरा सरेआम। जहाँ कैदियों को रखा जाता है वहाँ बड़े बड़े हालात होते हैं। हॉल में कैदियों को 2 फीट चौड़ाई और 1 निश्चित अंतराल पर सोने के लिए 6 फीट जगह दी जाती है। 1.5 फीट लंबाई और ऊंचाई के सीमेंटेड प्लेटफॉर्म या चबूतरे हैं। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म के बीच का अंतर भी सिर्फ 2 फीट है। हॉल की चौड़ाई के हिसाब से कैदियों को सोने के लिए जगह दी जाती है। प्लेटफार्मों की पंक्तियों की संख्या 2 या 3 होती है। एक पंक्ति में हॉल। हॉल की लंबाई के अनुसार 10 या उससे अधिक प्लेटफार्म होते हैं। इसके अलावा उस हॉल में एक बाथरूम होता है जो हॉल के एक छोर पर होता है। बाथरूम में ऊंचा और पूरी तरह से पैक दरवाजा नहीं होता है, केवल 3 फीट ऊंचा एक दरवाजा होता है। मानो या न मानो, मानो या एक बैरिकेड, केवल इतना ही होता। यह है कि जब कैदी शौचालय जाता है तो वह उसे बंद कर देता है और शौचालय या पेशाब करने बैठ जाता है। वह दरवाजा केवल बैठे हुए कैदी के लिए शौचालय की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन शौचालय को पूरी तरह से बंद करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है। इसका मतलब यह है कि कैदी खुद को शौचालय के अंदर बंद करके आत्महत्या आदि न कर पाए। उस पर लगातार निगरानी रखी जाए या दूसरे कैदी किसी कैदी को शौचालय के अंदर ले जाकर उसकी हत्या न कर पाए। यानी भले ही कोई कैदी शौचालय जाए या पेशाब करे, कैदी अपना बिस्तर, थाली आदि उसी चबूतरे पर रखता है, उस पर कंबल बिछाकर सोता है और चाहे तो उसी चबूतरे पर बैठ सकता है। यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। जब कैदियों की संख्या बढ़ जाती है तो उस हॉल में चबूतरों की संख्या से अधिक कैदियों को रख दिया जाता है। ऐसी स्थिति में 2 चबूतरों के बीच की 2 फुट चौड़ी जगह अन्य कैदियों से भर जाती है। आमतौर पर एक हॉल में 30 कैदियों तक को रखा जाता है, लेकिन जब उनकी संख्या बढ़ जाती है तो यह संख्या 40 तक हो सकती है। कैदियों को खाने पीने से वंचित रखा जाता है,
एक करछुल चावल की खिचड़ी, 2-3 रोटी, तीसरी श्रेणी की दाल या सब्जी आदि दी जाती है, जिससे कैदी आधा पेट भी नहीं भर पाता, यानी कैदी खाने से भी परेशान रहते हैं। यदि किसी कैदी से उसका कोई अपना मिलने आता है और उससे मिलने आने वाला व्यक्ति उसके कैदी के लिए खाने पीने की कोई चीज नहीं देता है, कोई कैदी कोई चीज लेकर आता है और जब वह उस चीज को लेकर हॉल में पहुंचता है तो बाकी सभी कैदी उस पर टूट पड़ते हैं और मांगने लगते हैं कि यह चीज मुझे दे दो। वह कहता है, मुझे दे दो, यानी कैदी द्वारा लाई गई चीज को वे खरोंचते हैं। हाँ, उस हॉल में कैदी जो बूढ़ा और भूखा होता है उसे जरूर भरपेट खाना मिल जाता है, क्योंकि हॉल में उसकी हालत दान जैसी होती है। यहाँ तक कि जेल प्रशासन भी हॉल में जब कोई नया कैदी आता है तो डॉन उससे डरता है। सबसे पहले डॉन उसे माम बहन की गाली देकर अपने पास बुलाता है। कैदी जैसे ही उसके पास पहुंचता है, डॉन उसे 2-3 थप्पड़ मारता है और कई बार लाते मारता है और पूछता है, बताओ किस जुर्म में यहाँ आए हो। कैदी के बताने पर डॉन कहता है कि तुम्हें तो कोई बड़ा जुर्म करके यहाँ आना चाहिए था। फिर डांटते हुए कहता है, अपने प्लेटफॉर्म पर जाओ। तब कैदी डर जाता है और अपने प्लेटफॉर्म पर चला जाता है। बहुत से कैदी जो जूनियर होते हैं उन्हें शौचालय के पास सोना पड़ता है। फिर वरिष्ठता के हिसाब से जगह बदल जाती है, यानी धीरे धीरे शौचालय से दूर होती जाती है और जो नए कैदी आते हैं उन्हें शौचालय के पास सुला दिया जाता है, यानी शौचालय से दूरी बढ़ती जाती है। हर हॉल में CCTV है, निगरानी के लिए कैमरे लगे हैं। कमरा जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा होता है। इसमें बाथरूम की अधिकतम सुविधा होती है। इसका दरवाजा भी बहुत मजबूत और अपारदर्शी होता है। दरवाजा हमेशा बंद रहता है, खिड़कियां आदि नहीं होती हैं। एक तरह से सेल एक अंधेरे कमरे की तरह होता है। उस हिस्से पर एक छोटा सा छेद रहता है जिससे खाने की प्लेट आदि कैदी की तरफ खिसकाई जाती है। खाना खाने के बाद कैदी बर्तन आदि साफ करता है, उसी जगह से बर्तन निकालता है और बाहर धकेलता है। अंदर रोशनी आदि की व्यवस्था इस तरह की जाती है। सेल आमतौर पर एकांत प्रकार की होती हैं, अंधेरे और सुरक्षित स्थान पर, जहां दूसरे लोगों की आवाज भी नहीं सुनी जा सकती। कैदी की जिंदगी बस एक सेल में होती है, उसे बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसी व्यवस्था एक तरह की सजा के तहत रखी जाती है, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य कैदी को कड़ी और सुदृढ़ सुरक्षा में रखना और यह भी सुनिश्चित करना होता है कि वह किसी दूसरे कैदी को नुकसान न पहुंचा सके। ऐसी सेल बनाने का उद्देश्य अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे कैदी की जिंदगी कितनी कठिन होती है। और एक बात और ये कि उसके पास फोन आदि की कोई सुविधा नहीं होती। सेल में पंखा नहीं होता, क्योंकि कई कैदी पंखे से लटक कर आत्महत्या कर लेते हैं। उसे बाहरी दुनिया से संपर्क से पूरी तरह अलग रखा जाता है। उसे कुछ पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, मौत की सजा पाए कैदी को ये भी नहीं पता होता कि उसे किस दिन फांसी दी जाएगी। सारी बाहरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे एक दिन अचानक बाहर ले जाया जाता है और फांसी पर लटका दिया जाता। अफजल गुरु के साथ क्या हुआ यह उसकी फांसी के आखिरी क्षणों तक पता नहीं चला। ऐसा नहीं था कि उसे आज फांसी होनी थी और अचानक एक सुबह उसे फांसी के तख्ते पर ले जाकर फांसी पर लटका दिया गया। और समझ लीजिए कि संदीप घोष को ऐसी ही काल कोठरी में, बिल्कुल अलग तरह की कोठरी में रखा गया था। संदीप घोष का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। वह बस एक अकेला और अंधकारमय जीवन जी रहा है, क्योंकि बाहर इतना विरोध चल रहा है। संदीप घोष को इसका एहसास है और यह भी एहसास है कि अब उसे फांसी हो जाएगी, और उसे यह भी लगता है कि बहुत जल्द उसे फांसी हो जाएगी, इसलिए इन दिनों उसके अंदर एक तरह का डर व्याप्त हो गया है।
अब वह पेट भर खाना भी नहीं खाता और सिर्फ दो कंबल और एक तकिया लेकर जमीन पर सोता है। जब तक वह बाहर रहता है, वह इतना आराम कर चुका है, अब उसे पता चल रहा है कि जेल में कैसा खाना मिलता है। अब उसे सिर्फ मरने का डर है, फांसी का डर भारी है। उसे लगता है कि उसे अभी फांसी होगी या तब फांसी होगी वगैरह। वह हमेशा रोता रहता है, घड़ियाल की तरह आंसू बहाता रहता है। रात को उसे ठीक से नींद भी नहीं आती, रात में अचानक चीखने लगता है। उसे सिर्फ डरावने सपने आते हैं, उसके सपनों में यमराज भी आते हैं, काले कपड़े पहने जल्लाद भी आते हैं, जिनके बड़े लंबे दांत होते हैं, उनके दांतों पर खून लगा हुआ है, जैसे कि वे राक्षस हैं। उन्हें सपनों में कई बार फांसी पर लटकाया गया है। वह दिन और रात में कई बार उस दृश्य को याद करता रहता है जब निर्भया का वध किया गया था। आप शायद जानते हो कि निर्भया के दोषियों के साथ उस दिन क्या हुआ था जिस दिन उन्हें फांसी दी जानी थी। आपको यह भी पता होना चाहिए। आपको संक्षेप में यह भी बता दें कि जिस दिन इन चारों दोषियों को फांसी दी गई थी, उनमें से अक्षय और पवन ने उस रात खाना नहीं खाया था। सभी दोषियों ने बेचैनी में बीती रात बिताई। सभी दोषी पूरी रात सो नहीं सके। सुबह 4 बजे उन्हें नहाने के लिए कहा गया। कोई भी नहाना नहीं चाहता था। उन्हें नाश्ता दिया गया। उन्हें जाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्हें अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मृत्यु कोठरियों में रखा गया था। वे सभी कोठरियों से होकर फांसी घर में जाते थे। चारों कैदियों पर रात भर कड़ी निगरानी रखी गई। जब सुरक्षा बल उन्हें फांसी के तख्ते की ओर ले जा रहे थे, तो उनमें से एक जमीन पर बैठ जाता और दूसरा जमीन पर लेट जाता। चारों गिड़गिड़ा रहे थे और रो रहे थे। जब वे वहां जी रहे थे, तो सुरक्षा बलों ने उन्हें जबरन पकड़ लिया और फांसी के तख्ते के पास ले गए। उन चारों को फांसी के तख्ते पर खड़ा किया गया। उनके हाथ पीछे की ओर कर दिए गए और मजबूत रस्सी से बांध दिए गए। फिर उनके पैरों को भी कसकर बांध दिया गया ताकि वे खुद फांसी लगा सकें। फांसी के समय तेजी से काम नहीं हो सकता था और फांसी को निर्वात में ही अंजाम दिया जा सकता था। फिर पवन जल्लाद ने उनके चेहरे पर काला कपड़ा बांध दिया। इसके बाद बिहार के बक्सर से मंगाई गई मजबूत रस्सी का फंदा उनके गले में डाल दिया गया और फिर उनके कानों में कहा, हमें माफ कर दो। फिर पवन जल्लाद ने उनके कानों में कहा, हमें माफ कर दो। सभी लोग सहारे पर झूलने लगे और 2-3 मिनट तक तड़पते रहे। फिर उनके सिर एक तरफ झूल गए, यानी उनकी जान चली गई। फिर वे आधे घंटे तक उसी स्थिति में लटके रहे। उसके बाद डॉक्टर ने उनकी नब्ज टटोली और दिल की धड़कने चेक की, सब कुछ शांत हो। जब डॉक्टर ने लिखित में उनकी मृत्यु घोषित कर दी, तब उन्हें फंदे से उतारा गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। निर्भया के दोषियों को फांसी दिए जाने के बाद शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया, जो पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। निर्भया के दोषियों की फांसी की यह थी अंदरूनी कहानी। कहानी संदीप घोष ने सुना था यह मंजर टीवी के माध्यम से, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे भी इसी तरह फांसी पर लटका दिया जाएगा। और जब इस भयानक दृश्य की यादें उसकी आंखों के सामने घूम गईं, उस पल संदीप भोट इतना डर जाता है कि वह अचानक उठकर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब उसे नहाना या कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता। अब उसे हर पल ऐसा लगता है कि उसे बस ऐसा करने के लिए कहा जाए। कहा गया है कि आज तुम्हें फांसी होने वाली है, लेकिन दोस्तों वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर फांसी की संभावना होती भी है, तो फांसी की प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। आप में से कई लोग सोचेंगे कि इसमें कितना समय लगता है। कई लोग कहते हैं कि किसी व्यक्ति को बस किसी चौराहे पर ले जाना चाहिए और उसे फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
फांसी देना कोई मामूली बात नहीं है। मुकदमा तब चलता है जब मामले की सुनवाई में सभी गवाहों के साक्ष्य से यह पुष्टि हो जाती है कि किसी विशेष आरोपी के खिलाफ आरोप साबित हो गया है, तब उसे मृत्युदंड या मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है, जिसके बाद उसे उच्च न्यायालय में अपील करने का अवसर दिया जाता है। आरोपी ऊपरी अदालत में जाता है और उसके समक्ष अपील करता है। वहां भी मुकदमा लंबे समय तक चलता है। यदि ऊपरी अदालत उसकी मौत की सजा को बरकरार रखती है तो उसे उच्च न्यायालय में अपील करने का अवसर दिया जाता है। वहां भी मामले की सुनवाई चलती है। जब उच्च न्यायालय भी सजा को बरकरार रखता है तब उसे सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अवसर दिया जाता है। जब सर्वोच्च न्यायालय के मुकदमे में दोष सिद्ध हो जाता है और सर्वोच्च न्यायालय मृत्युदंड को बरकरार रखता है तब उसे राष्ट्रपति के समक्ष याचिका दायर करने का अवसर दिया जाता है। वहां भी कोई निश्चित नहीं है कि राष्ट्रपति उसके मामले की कितने दिनों में सुनवाई करेंगे। यह उल्लेख नहीं है कि अफजल गुरु की दया याचिका 10 वर्षों से अधिक समय तक राष्ट्रपति कार्यालय में लंबित रही। इसके बाद प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी। उन्होंने भी अपने 5 साल के कार्यकाल में दया याचिकाओं पर विचार नहीं किया। इसके बाद प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने। उन्होंने सभी दया याचिकाओं पर विचार किया, लेकिन अफजल गुरु की दया याचिका को खारिज कर दिया गया। इसे कई अन्य दया याचिकाओं के साथ खारिज कर दिया गया। फिर दोबारा इसका डेथ वारंट जारी करने के लिए लोअर कोर्ट में भेजा गया। जब डेथ वारंट जारी हुआ तो अफजल गुरु को 13 साल बाद फांसी हो सकी। तो दोस्तों, हमारी और आपकी गुजारिश पर किसी को भी फांसी नहीं होती। पूरी न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही फांसी संभव है और ये तुरंत तय नहीं है कि इस प्रक्रिया में कितना समय लग सकता है। और अगर संदीप घोष को लगेगा भी कि उसे फांसी होनी है, एक दिन उसे फांसी के तख्ते पर ले जाया जाएगा और उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। हमारे कई दर्शक कमेंट करते हैं कि सर उसे जल्दी से फांसी होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों जैसा कि हमने ऊपर बताया कि फांसी कोई बिल्ली और चूहे का खेल नहीं है। तो कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, पता नहीं कोर्ट में दोष सिद्ध हो पाएगा या नहीं। अगर लोअर कोर्ट में फांसी की सजा हो जाती है तो आगे की सारी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। संदीप घोष के मामले में भी यही सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी। फिर अगर सजा बरकरार रहती है तो समझ लीजिए कि उसे फांसी हो सकती है, लेकिन अभी कुछ भी कहना न तो सही है और न ही संभव है। आप भी इस मामले पर अपने विचार कमेंट के जरिए शेयर कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन जरूर करें ताकि आने वाले हर वीडियो के लिंक आपको मिलते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।